लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये हम क्या सुन रहे थे? क्या हुआ अबू? आपने अचानक ये फैसला कैसे लिया? कौन सा फैसला? हारिस के प्रोजेक्ट को छोड़ने का। अबू बात ये है कि हाँ बोलो। खामोश क्यों हो गए? जवाब दो। इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं। जब आपने हारिस के प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की जिम्मेदारी ली थी तो फिर अचानक उसे छोड़ने की कोई ना कोई वजह जरूर होगी। अबू उस प्रोजेक्ट पे कई लोगों की नजर थी। ये बात तो हम भी जानते हैं, मगर इतनी मामूली सी बात पर आप इस प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ सकते। प्रोजेक्ट संभालते वक्त आपने तो बड़ी हिम्मत और कॉन्फिडेंस की बातें की थी। हिम्मत और कॉन्फिडेंस तो आज भी मुझ में है अबू। तो फिर आपने ऐसा कैसे सोच लिया? कहीं आपको किसी ने कोई धमकी तो नहीं दी? जी नहीं। तो फिर क्या बात है, हमें साफ साफ बताओ ताहा, क्या आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा? नहीं अबू, ये बात नहीं। तो फिर वो कौन सी वजह जिसके लिए आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया? वो मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? क्यों अबू? क्या आपको लगता है उस प्रोजेक्ट से हमें फायदा ही होगा? बात फायदे और नुकसान की नहीं है ताहा, बात तो है बिजनेस एथिक्स की, उसूलों की, प्रेस्टीज की। हारिस के इस प्रोजेक्ट को छोड़कर आपने हमें बहुत दुख पहुंचाया है। ठीक है, अगर आपका यही फैसला है तो यही सही, हमें आपका फैसला मंजूर है। अगर आप हारिस का प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते, ना सही, हम इस प्रोजेक्ट में आबिर को शामिल कर देंगे। अबू आपने मुझे याद किया? हाँ बेटी। फरमाइए। तशरीफ रखिए। बेटा हम एक अजीब शशोपंच में पड़े हुए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। जी कहिए ना। आज ताहा ने हमारा दिल तोड़ दिया है। किस बात से अबू? उसने हारिस का प्रोजेक्ट करने से इनकार कर दिया है। लेकिन क्यों? बेटे हमने उससे पूछने की बहुत कोशिश की, उसे वजह जाहिर नहीं की। अगर आप इजाजत दे तो मैं उसे वजह जानने की कोशिश करूं। नहीं बेटे, इसका कोई फायदा नहीं है। बेटे हमने आज तक कभी किसी से कोई जबरदस्ती काम नहीं करवाया। और फिर हारिस का प्रोजेक्ट तो तभी मुकम्मल हो सकता है अगर उसे कोई मेहनत और दिल से करना चाहे। ओह, तो इसका मतलब ये है कि हारिस का ख्वाब अधूरा रह जाएगा? नहीं बेटे, वो ख्वाब जरूर पूरा होगा। फिर तो और कामों के साथ साथ आप पर उस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी आ जाएगी। बेटे हम चाहते हैं वो जिम्मेदारी आप संभाल लो। ये आप क्या कह रहे हैं अबू? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटे। याद है तुम्हें बेटे, एक दिन हमारे बिजनेस में हमारा हाथ बटाने की बात आपने कही थी। कही तो थी, लेकिन ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बेटा इस घर में तुमसे ज्यादा जिम्मेदार और कौन हो सकता है? अबू आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं बेटे, हम तो आपके सामने अपनी मजबूरी को बयां कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं अबू? बेटा आपको याद होगा,
आप ही ने ताहा को हमारे बिजनेस में हमारा सहारा बनने के लिए जोर दिया था और उसने ऑफिस ज्वाइन किया। जी। बेटा, ताहा ने हमें धोखा दे दिया है। अब ताहा से ज्यादा हमें आप पर भरोसा है और हम ये जानते हैं बेटे, अगर आप पर जिम्मेदारी डाली जाए तो आप उसे बखूबी निभाएंगे। बस बेटा, आप इनकार मत करना। अबू, अगर ताहा को एतराज हुआ तो? जब ताहा ने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है तो उसे क्या एतराज हो सकता है? और अगर एतराज हो भी तो आपके लिए हमसे बढ़कर ताहा तो नहीं हो सकता ना? ऐसा मत कहिए अबू, ताहा इस घर का बेटा है। आप ठीक कह रही, ताहा इस घर का बेटा है, मगर आप हमारी बेटी हैं। और बेटे, वालदेन की तकलीफें बेटों से ज्यादा बेटियां समझती हैं। बताओ बेटा, तुम्हारा क्या इरादा है? अबू, आपका हुक्म सर आंखों पर। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभालने के लिए मैं तैयार हूं, बल्कि इस बात का फक्र महसूस होगा मुझे कि अपने शौहर का अधूरा ख्वाब मैं पूरा कर सकूंगी। बेटा, हमें आपसे यही उम्मीद थी। अब एक प्याली चाय पिला दोगी? जी। हेलो रिदा, मैं ताहा बोल रहा हूँ। फोन क्यों किया? क्यों, अब मैं तुम्हें फोन भी नहीं कर सकता? नहीं, आई हेट यू ताहा, मैं तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहती। रिदा, इतनी नाराजगी अच्छी नहीं होती है। नाराजगी तो अपनों से होती है, गैरों से नफरत होती है, और मैं तुमसे नफरत करती हूँ। रिदा, कम से कम ये जानने की कोशिश तो करो कि मैंने तुम्हें फोन क्यों किया है। ताहा प्लीज, मुझे परेशान मत करो, फोन रख दो वरना मैं ही फोन काट दूंगी। नहीं रिदा, फोन मत काटना, मैं तुमसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। बोलो, कब और कहाँ मिलोगी? मिलने की कोई जरूरत नहीं, जो कहना है फोन पे कहो। सामने बैठ के बात होती तो अच्छा होता। तुम सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में कहो क्या कहना है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया है और अब्बू से भी इस बारे में बात कर ली। तुमने समझदारी से काम लिया है। लेकिन भाभी जान इस बात के लिए राजी नहीं है, वो चाहती है कि हारिस भजन का ख्वाब पूरा हो। इस बात की फिक्र तुम मत करो, मैं संभालूंगी। रिदा, रिदा। ताहा। अरे भाभी जान, आइए। आज मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। शौक से, लेकिन पहले बैठिए ना। फरमाइए। तुमने हारिस भाईजान का प्रोजेक्ट क्यों छोड़ दिया? रिदा ने मुझे मजबूर कर दिया। और तुमने उसकी बात मान ली? उसने कहा कि अगर मैं प्रोजेक्ट छोड़ दूं तो समझेगी कि मैं उसे प्यार करता हूं। लेकिन रिदा को उस प्रोजेक्ट से क्या मतलब? वो प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहती है। सिर्फ रिदा की बातों में आकर तुमने इतना बड़ा फैसला किया, अपनी अबू की बातों को ठुकरा दिया, अपने मरहूम भाईजान के ख्वाब को भूल गए तुम। रिदा को पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अब जब वो प्यार के बदले एक छोटी सी कुर्बानी चाह रही तो क्या मैं उसे मना कर देता? रिदा के प्यार के सामने तुम अपने खानदान की इज्जत, माँ बाप की फरमा बरदारी को भूल जाओगे, बगावत कर लोगे अपने घर वालों से? वक्त आने पे वो भी करूंगा। रिदा तुम्हें बेवकूफ बना रही है ताहा, वो धोखा दे रही है तुम्हें। इस प्रोजेक्ट को हासिल करके वो तुम्हारे अब्बू को नीचा दिखाना चाहती है। क्या इस बात का एहसास है तुम्हें? जी हाँ, एहसास है। फिर भी तुमने ऐसा किया? मैं अपने दिल से मजबूर हूँ। लेकिन मैं मजबूर नहीं, आई एम सॉरी ताहा। बेशक इस प्रोजेक्ट से किसी को लगाव हो या ना हो, लेकिन मुझे है, और इसलिए अब्बू के कहने पर इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मैंने संभाली है। अब मैं देखती हूँ रिदा इस प्रोजेक्ट को कैसे हासिल करती है।
ये रहा तुम्हारा कैबिन और वो रही तुम्हारी कुर्सी। अब उस कुर्सी पर आपका पूरा हक है जी। हारिस के प्रोजेक्ट को लेकर हमें आपसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है। अल्लाह आपको कामयाबी बख्शे। अबू, मैं आपकी उम्मीदों को जाहिर नहीं जाने दूंगी। आपको और मेरे शौहर का नाम मैं रोशन करूंगी। बस आपकी दुआएं और अल्लाह का करम मेरे साथ होना चाहिए। बेटे, नेक नियति से शुरू किए हर काम में अल्लाह मदद करता है। हमें उसकी जात पर पूरा भरोसा है। बस अब एक और काम बाकी है। कौन सा काम अबू? हम बहुत जल्द मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करने वाले हैं, जहां हम आपकी मुलाकात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और फेमस बिजनेस पर्सनालिटी से करवाएंगे। ये खबर अखबारों में भी छपेगी ताकि सारी दुनिया को पता चल जाए बिजनेस टाइकून अली यावर की बहू अब खुद बिजनेस फील्ड में उतर चुकी है। ठीक है बेटे, आपकी आंखों में आंसू? नहीं अबू, ये तो खुशी के आंसू है। मैं आज बहुत खुश हूं। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगी मैं, तो उनकी रूह को कितना सुकून मिलेगा। बस यही सोच सोच के मेरी आंखें भर आई। हाँ बेटे, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अल्लाह आपको कामयाबी दे। कौन सा फैसला? आपने हारिस का प्रोजेक्ट अबीर को क्यों सौंप दिया? इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हम क्या करते हैं? जब आपके बेटे ने खुद अपने कदम पीछे हटा लिए। फक्र की बात तो यह है, लड़की होने के बावजूद आपकी बहू ने इस प्रोजेक्ट को संभालने का फैसला कर लिया। आप अबीर की तारीफ कर रहे हैं? बहुत चालाक है वो। वो तो पहले से ही इस इंतजार में थी कि कब आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हो। तो इसमें बुरा ही क्या है? सिर्फ बुराई ही बुराई है। और बुराई ही नहीं बल्कि इसमें हमारी तबाही भी है। क्या मतलब? क्या आप अबीर के मंसूबों से वाकिफ नहीं? क्या आप उसकी नीयत नहीं पहचानते? उसकी नीयत में कोई खोट नहीं। वो ईमानदार, समझदार, पढ़ी लिखी और वो इस प्रोजेक्ट को बखूबी संभालेगी। वो सिर्फ इस प्रोजेक्ट को ही नहीं संभालेगी बल्कि आपका सारा बिजनेस संभाल लेगी। आपकी सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत संभाल लेगी। तब आपको एहसास होगा। उस वक्त आप मेरी बातों को याद करेंगे। वो लालची नहीं है, वो हमारी बहू है। अगर आपके नजरिए से भी सोचा जाए तो इतना आसान नहीं है। आप क्या समझते हैं? वो कुछ भी करेगी और हम खामोश बैठेंगे, देखते रहेंगे? क्या हमें इन बातों की अकल नहीं है? उसे सिर्फ
और सिर्फ अपने शौहर के प्रोजेक्ट से लगाव है, बस। अबीर को आप अपनी अजीज समझते हैं? वो हमारी अजीज नहीं बल्कि दुश्मन है। दुश्मन वो हमारी नहीं, आपकी है, क्योंकि आप हरकतें ही ऐसी करती हैं। इंसान को बेवजह अपनी नजरों से नहीं गिराना चाहिए, ये बात तो अल्लाह को भी नागवार गुजरती है। हेलो, मैं अबीर बोल रही हूँ। कौन अबीर? अलिया, बस आपकी बहू। ओ अच्छा, फरमाइए। वो हारिस के प्रोजेक्ट की फाइल आप कंप्लीट करके दीजिए, मैं वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती हूँ। लेकिन उसे तो ताहा साहब शुरू करना चाहते थे। जी, लेकिन अब वो प्रोजेक्ट यावर साहब ने मुझे सौंपा है। जी बेहतर है, फाइल कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, वो अभी तक मेरे पास पहुँचे नहीं। लेकिन अब आप उसकी फिक्र मत कीजिए, अब तक जिन लोगों ने ये जिम्मेदारी संभाली थी वो सिर्फ बिजनेस के नजरिए से और बिजनेस के फील्ड में नाम ऊंचा करने के लिए। लेकिन मैंने ये जिम्मेदारी संभाली है अपने जज्बातों और अरमानों को पूरा करने के लिए। अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। जी, मैं भी यही चाहता हूँ, ये मसला जितनी जल्दी हल हो जाए मेरे लिए उतना ही अच्छा है, वरना मैं बेवजह मुसीबत में फंस जाऊंगा और आप लोगों के हाथ से भी वो प्रोजेक्ट चला जाएगा। ना आप फंसेंगे और ना ही ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से जाएगा, अब सब कुछ ठीक ही होगा। अब मैं जो आ गई हूँ, खुदा हाफिज़। खुदा। मैडम, आप अलियावर साहब के मरहूम बेटे हारिस का जो प्रोजेक्ट हासिल करना चाहती हैं उसके बारे में आपको क्या पता है? बस इतना ही कि ताहा ने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया है और उसे अब मैं हासिल करूंगी। लेकिन उस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी तो अलियावर साहब ने अपनी बहू अबीर को सौंप दी है। अच्छा? जी हाँ। तुम्हें कैसे पता? मुझे ये बात माधवानी साहब के ऑफिस से पता चली है। और क्या पता चला? अबीर ने माधवानी साहब को फाइल पर दस्तखत करके फाइल को आगे बढ़ाने को कहा है। लेकिन मिस्टर माधवानी ने तो उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे ना? अभी डॉक्यूमेंट्स देने को तैयार है, सुना है बड़े बड़े ख्वाब देख रही है वो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर ख्वाब की ताबीर सही है। अबीर अली यावर साहब के घर वालों को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। शायद वो ये नहीं जानती कि इस बार उसका सामना मुस्तफा साहब की बेटी रिदा से हुआ है। आप बजा फरमा रही हैं, लेकिन आपको उस प्रोजेक्ट को हासिल करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर अबीर अपने मकसद में कामयाब हो गई तो आप हाथ मलती रह जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। आज तक वो लोग हमारे घर में आग लगाकर तमाशा देखते आए, लेकिन अब मेरी बारी है। मैं उनके घरों में ही नहीं उनकी जिंदगी में भी आग लगा दूंगी। गिन गिन कर इंतकाम लूंगी उनसे, उस खानदान की ईंट से ईंट बचा दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी रास्ता इख्तियार क्यों ना करना पड़े।